क्या केंद्रीय मंत्री नारायण राणे होंगे गिरफ्तार? आखिर राणे ने क्यों कही उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात? नमस्कार, मैं हूं रक्षा मुमताज और आप देख रहे हैं दो बोल। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ पुणे के चतुरश्रृंगी पुलिस स्टेशन में युवा सेना की शिकायत के बाद FIR दर्ज की गई है। दरअसल नारायण ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ IPC की धारा 153 और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कही थी। अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान राणे ने दावा किया था कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने भाषण में ठाकरे ये भूल गए थे कि देश की आजादी को कितने साल हुए हैं, और उन्होंने पीछे मुड़कर अपने सहयोगी से इस बारे में पूछा था। उन्होंने दावा किया और कहा कि ये शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि देश की आजादी को कितने साल हुए हैं। अपने भाषण के दौरान वो पीछे मुड़कर इस बारे में पूछताछ करते नजर आए थे। अगर मैं वहां होता तो उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारता। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के इस विवादित बयान का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर शिवसेना ने इसकी कड़ी निंदा की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुंबई और कई दूसरी जगहों पर पोस्टर लगाए थे, जिसमें राणे को कॉमेडी चोर यानी चिकन चोर बताया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि करीब 5 दशक पहले राणे चेंबूर में पोल्ट्री की दुकान चलाते थे। वहीं शिवसेना के रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से सांसद विनायक राउत ने कहा कि राणे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। राउत ने कहा कि भाजपा नेतृत्व को खुश करने के लिए राणे शिवसेना और उसके नेताओं पर हमला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जगह मिलने के बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। PM मोदी को उन्हें बाहर कर देना चाहिए। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे मुख्यमंत्री के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कान के नीचे थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं, ये पूरे महाराष्ट्र का अपमान है। कानून से बड़ा कोई नहीं है और कानूनी कार्रवाई होगी, ये तय है। बता दें कि ये मामला अब इतना बढ़ गया है कि नासिक में भाजपा के दफ्तर पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। इस घटना की तस्वीरें भी सामने आई है और इस पत्थरबाजी का आरोप शिवसेना कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है। सिर्फ नासिक ही नहीं बल्कि अब मुंबई, अमरावती, रत्नागिरी समेत कई शहरों में नारायण राणे के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। मुंबई में शिवसैनिक सड़कों पर उतर आए हैं और राणे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जहां एक तरफ नारायण राणे के खिलाफ शिवसेना कार्यकर्ताओं का गुस्सा नजर आ रहा है, वहीं राणे के बेटे और विधायक नीतीश राणे ने महाराष्ट्र पुलिस पर रत्नागिरी के पास उन्हें रोके जाने और उन्हें पीटने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे दो बोल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।